वेजिटेरियनिज्म सिंपल शब्दों में कहें तो जानवरों का मांस न खाना होता है। इसमें मीट, मुर्गी और मछली सब आते हैं। यह अक्सर प्लांट बेस्ड डाइट से जुड़ा होता है, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और दालें खाई जाती हैं। लोग कई कारणों से वेजिटेरियनिज्म चुनाते हैं, जैसे जानवरों के प्रति दया, पर्यावरण की सुरक्षा या स्वास्थ्य लाभ। दुनिया भर में वेजिटेरियनिज्म की लोकप्रियता और इसकी व्याख्या अलग अलग है। कई पश्चिमी देशों में इसे अक्सर एक सीधी बात माना जाता है, या तो कोई वेजिटेरियन है या नहीं। हालांकि भारत में यह अवधारणा थोड़ी अलग है। भारत वेजिटेरियनिज्म को एक अलग नजरिए से देखता एचए। यहाँ यह प्रथा सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि जानवरों का मांस न खाने का मुख्य सिद्धांत यहाँ भी है, लेकिन भारतीय वेजिटेरियनिज्म डेयरी उत्पादों, खासकर दूध को अपनाकर खुद को अलग करता है। भारतीय समाज में दूध को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे एक पूर्ण आहार और जरूरी पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रोटीन से भी, जो विकास के लिए जरूरी है। कई भारतीय शाकाहारियों के लिए मांस न खाने से जो पोषण की कमी होती है, उसे दूध पूरा करता है। हालांकि भारतीय शाकाहारियों के बीच दूध का सेवन आम है, लेकिन देश के भीतर खाना पान के तरीके एक जैसे नहीं है। भारत की विविध भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के कारण यहाँ खानाएं की कई अलग अलग परंपराएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी पसंद और मुख्य सामग्री है। उत्तर भारत में डेयरी का बहुत महत्व है, जहाँ दूध, दही और पनीर, कॉटेज चीज रोजाना के खानाएं का एक अभिन्न हिस्सा है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में चावल, दाल और सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और नारियल के दूध का उपयोग अक्सर डेयरी दूध की जगह किया जाता है। ये विविधताएं भारतीय शाकाहार के अनुकूलन क्षमता को उजागर करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे स्थानीय सामग्री और सांस्कृतिक मानदंड भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। भारतीय शाकाहार में दूध का महत्व इसके पोषण मूल्य से कहीं बढ़कर है। इसका एक गहरा सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। हिंदू परंपरा में गाय, जो दूध देने वाली एक कोमल प्राणी है, को पवित्र माना जाता है। इसलिए दूध को शुद्ध और जीवनदायी माना जाता है, और अक्सर धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। यह सांस्कृतिक महत्व शाकाहारी भोजन में दूध की व्यापक स्वीकृति में योगदान देता है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो अनाय आहार प्रतिबंधों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं। यह अक्सर शिशुओं को दिया जाने वाला पहला भोजन होता है और जीवन भर एक महत्वपूर्ण आहार बना रहता है, जो पोषण और तंदुरुस्ती का प्रतीक है। भारत में दूध का सेवन सामाजिक आर्थिक कारकों से भी जुड़ा हुआ है। ग्रामीण समुदायों में जहां प्रोटीन के अनाय स्रोत सीमित हो सकते हैं, गेहूं या भैंसों का दूध अक्सर आवश्यक पोषक तत्वों के एक किफायती और आसानी से उपलब्ध स्रोत के आरयूपी में कार्य करता है। इसके अलावा घरों में गाय या भैंस पालने की प्रथा, खासकर ग्रामीण भारत में, परंपरा में गहराई से निहित है और आत्मनिर्भरता की भावना प्रदान करती है। इन जानवरों को केवल पशुधन के आरयूपी में नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के आरयूपी में देखा जाता है, जो दैनिक जीवन में दूध के सांस्कृतिक महत्व को और मजबूत करता है। भारतीय शाकाहार में दूध को शामिल करना कुछ लोगों को विरोधाभासी लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शब्द की अधिक कठोर परिभाषा के आदि हैं। हालांकि यह सांस्कृतिक प्रथाओं की परिवर्तनशीलता और आहार विकल्पों की विविध व्याख्याओं को रेखांकित करता है। भारतीय शाकाहार दूध को अपनाने के साथ दर्शाता है कि शाकाहार एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सभी पर लागू होता है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसे स्थानीय रीति रिवाजों, मान्यताओं और उपलब्धता द्वारा आकार दिया जाता है, और यह भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता को दर्शाता है।